हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बडवाइजर मैग्नम बियर का। जी हाँ, एक और सख्त लोंडो की बियर आ गई है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बडवाइजर मैग्नम। एक ऐसी बियर है जो मैंने अभी रीसेंट टाइम से पहले ट्राई नहीं करी थी कभी भी। बडवाइजर एक बहुत बड़ा नाम है बियर वर्ल्ड में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बियर इन द वर्ल्ड। एंड एबी इनबेव जो ओन करता है बडवाइजर को, उन्होंने सोचा कि इंडिया के लोगों के लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बियर लॉन्च करनी चाहिए, तो उन्होंने लॉन्च करी बडवाइजर मैग्नम। देर इज नॉट लॉट ऑफ हिस्ट्री अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक बियर की, बिकॉज बडवाइजर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने बडवाइजर बियर का रिव्यू किया था। बडवाइजर मैग्नम जो है, इट्स एन एक्सक्लूसिव वेरियंट ऑफ बडवाइजर जिसे स्पेशली इंडिया के लिए ही लॉन्च किया गया है। एंड बडवाइजर बियर का जो नाम इससे जोड़ा गया है, सो इट मेक्स इट ईजियर कि उसकी जो सेल्स है वो उन्हें एक बूस्ट मिले स्टार्टिंग में। बट एट द सेम टाइम जो रेपुटेशन बनी हुई है बडवाइजर बियर की एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न, उस पर खरा उतरना, उसे पूरा करना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक डबल एज स्वॉर्ड है इसे बडवाइजर बियर का जो नाम दिया गया है। एंड आई वुड से कि उस चैलेंज पर काफ़ी हद तक खरी उतरी है बियर, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये बियर इंडिया में, काफ़ी लोगों की पसंद है। मैग्नम जो उसका नाम रखा गया है उसके पीछे दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन, मैग्नम एक तरह के हॉप्स होते हैं जो बियर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसे ज़्यादा बिटर बनाते हैं, उसके टेस्ट को, नॉट अल्कोहल बट टेस्ट को ज़्यादा बिटर बनाते हैं। बट आई थिंक जो ज़्यादा ऑब्वियस आंसर है वो सेकंड है, बिकॉज मैग्नम जो होती है एक तरह की गन होती है एंड इट्स अ वेरी डेवेस्टेटिंग गन। आई एम श्योर अगर आपने कभी गेम खेली होगी तो आपको पता होगा कि मैग्नम से एक ही हेडशॉट में काम हो जाता है। तो आई थिंक वो शायद इसका रीज़न होगा कि क्यों उसका नाम मैग्नम रखा गया है। एल्कोहल परसेंटेज है इसकी 8%, तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बियर है। और प्राइस है इसका ₹190 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। तो प्राइस पॉइंट जो इसका है काफ़ी प्रीमियम रखा गया है। ऑल दो बड़ी बॉटल का है, 650 ml की बॉटल, बट स्टिल 190 लुक्स अ लॉट ऑन पेपर। बट चलिए ट्राई करते हैं इसे और देखते हैं कि टेस्ट के मामले में क्या ऑफर करती है बियर और क्या अपने प्राइस पॉइंट पर खरी उतरती है या नहीं। सो कलर के मामले में उसका जो कलर है ऑलमोस्ट सेम है जो नॉर्मल रेगुलर बडवाइजर आती है। देखने में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। इट्स नॉट दैट कि वाली बियर थोड़ी ज़्यादा डार्क है देखने में, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ रेगुलर बडवाइजर। उसका जो फ्रॉथ है काफ़ी जल्दी चला गया, ऑल दो इसमें राइस यूज करे गए हैं, देर इज नो शुगर इन दिस बियर, बट स्टिल इट्स अ लाइट बॉडीड बियर। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉपी अरोमा, सिट्रसी अरोमा, ग्रासी अरोमा आ रहा है मुझे, जो कि रेगुलर बडवाइजर से भी आता है। सो जो अरोमा आ रहा है वो काफ़ी सिमिलर है रेगुलर बडवाइजर से। लेट्स टेस्ट इट एंड फाइंड आउट कि इसका टेस्ट कितना मिलता जुलता है रेगुलर बडवाइजर से। क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड यस, जो टेस्ट है इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ मॉल्टीनेस इन दिस बियर एंड आई हैव टू से, जैसे मैंने बताया, आई एम बिट सरप्राइज बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये बियर इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी टेस्टफुल लगेगी। येस, देर इज अ बिट ऑफ बिटरनेस इन दिस बियर, जो एक्स्ट्रा एल्कोहल परसेंटेज होती है बियर में उसकी वजह से आती है। बट जो बिटरनेस आती है शुगर के यूज़ की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम गेटिंग गुड मॉल्टी फ्लेवर। द ओनली कंप्लेंट इज कि जो उसकी उसका जो टेस्ट है, जो प्रोफाइल है, काफ़ी लाइट बॉडीड है। सो दैट्स मे बी द ओनली ग्राइप, बट अदरवाइज आई रियली रियली एंजॉय दिस बियर। आई थिंक अगर मैं इसे कंपेयर करूँ इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग बियर मिलती हैं, माल्या जी आपकी तरफ देख रहा हूँ मैं, देन आई विल से दैट इट्स अ बिग इम्प्रूवमेंट। इसका जो टेस्ट है इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग, क्वाइट रिफ्रेशिंग। जो एक गर्मी के दिनों में ठंडी बियर से हमारी जो ख्वाहिश होती है वो ये बियर अच्छे से पूरा करती है। फूड पेयरिंग के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल बियर। इसके साथ आप स्पाइसी, नॉन स्पाइसी,
फ्राइड नॉन फ्राइड सैलेड कुछ भी खा सकते हैं. आई थिंक एवरीथिंग विल टेस्ट प्रीटी गुड विद दिस बियर. बात करें अगर स्कोरिंग की, एज आई सेड मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बियर. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है इस बियर में. बट आई वुड से दैट जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक बियर से वो काफ़ी हद तक पूरी करती है. सो आई विल गिव इट 8.5 out of 10 एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न. बट वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा प्राइस है. मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए इसका, कंसिडरिंग की जो मेड्यूसा बियर है जो आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रॉन्ग बियर्स है, इट्स अवेलेबल फॉर मच चीपर प्राइस. सो आई विल गिव इट 7.5 फॉर वैल्यू फॉर मनी. तो इसका MB's मैन केव स्कोर होता है 8 out of 10. एंड येस आई विल ट्राई कि मैं इसे नॉर्मल बडवाइजर के साथ कंपेयर करूँ. अगर आप चाहते हैं मैं करूँ तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी करूँ. और कैसा लगा आपको वीडियो बताइए मुझे कमेंट्स में. अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.